आज अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसके कारण, इसका प्रभाव और इसके निवारण या नियंत्रण के उपाय। पिछले अपन वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं ध्वनि प्रदूषण के अलावा। पिछले वीडियो में अपन ने कहा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, और इस वीडियो में अपन करेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो जो भी अवांछित उच्च स्तर को शोर प्रदूषण कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, जो ध्वनि की जो प्रदूषण वो इकाई होती है उसको मापने की, वो डेसिबल होती है। 80 डेसिबल से जो भी अधिक ध्वनि होती है उसको अपन कहेंगे, जो शोर होता है उससे उसको अपन कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। ये जो डीबी है ये डेसिबल, डेसिबल के शॉर्ट में अपन डीबी लिखते हैं, ये ध्वनि मापने की इकाई है कि 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि है तो वो शोर प्रदूषण का कारण है और उसको अपन शोर प्रदूषण कहेंगे। तो ये यूनिट हो गई डीबी। और जो भी अपने कान है जिनको, यानी कि आवाज़ को अपन सहन नहीं कर पाते हैं, अच्छी नहीं लगती है, अवांछित होती है, उसको अपन कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। इसके मापने की इकाई होगी डेसिबल शॉर्ट के अंदर, इसको दिखाते हैं अपन डीबी के अंदर। और इसके एक इकाई कर दिया, एक पैमाना कर दिया कि जो भी ध्वनि जिसका मान है वो 80 डेसिबल से ज़्यादा है वो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आएगी। तो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, जो भी शोर या ध्वनियाँ जो 80 डेसिबल से ज़्यादा है उसको अपन कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के अंदर अवांछित चीज़ें आती हैं जिनके अंदर जो चीज़ें वास्तविक रूप में नहीं होनी चाहिए लेकिन वो चीज़ें होती हैं, तो उसको अपन कहेंगे प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण के अंदर जब ध्वनि का जो स्तर है वो अवांछित हो, यानी कि उस एक मानक चीज़ से उससे अगर अधिक हो जाए तो उसको अपन कहेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसमें से अपन मुख्य रूप से कुछ जो कारण उनका अध्ययन करेंगे। उद्योग, लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या हुआ, कल कारखानों में चलने वाली मशीनों से उत्पन्न आवाज़ गड़गड़ाहट इसका प्रमुख कारण है। जो थर्मल स्टेशन होते हैं उनमें भी जो बॉयलर और टर्बाइन होते हैं जिनसे अपन बिजली बनती है तो वो भी काफ़ी शोर उत्पन्न करते हैं। तो जो इंडस्ट्री यानी कि जो औद्योगिक जो उद्योग होते हैं उनसे चलने वाली जो मशीनें होती हैं, कल कारखानों में जो मशीनें होती हैं, थर्मल स्टेशन होते हैं, ताप विद्युत गृह जहाँ पर अपनी बिजली पैदा होती है, वहाँ पर जो बॉयलर और टर्बाइन चलते हैं तो वो भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ भी सामान्यतः बहुत ज़्यादा होती है। तो एक ध्वनि प्रदूषण का कारण हो गया वो उद्योग हो गया क्योंकि उनका स्तर है वो अवांछित, यानी कि सामान्यतः 80 डेसिबल से ऊपर ही होता है। तो उद्योग एक प्रमुख कारण हो गया। उद्योग प्रमुख कारण क्यों हो गया, क्योंकि जहाँ उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो मशीनें होती हैं वो जब चलती हैं, यानी कि जो औद्योगिक उत्पादन होता है उनसे, तो उसमें क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण। दूसरा आएगा परिवहन। परिवहन के सभी साधन कम या अधिक मात्रा में ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इनसे होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक होता है। इससे ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होता है क्योंकि परिवहन जो होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो भी आता है, तो उनके बस, ट्रक, जो भी गाड़ियाँ हैं, जो भी व्हीकल हैं, तो वो इंजन की उनकी तेज़ आवाज़ होगी, उसके साथ ही उसमें हॉर्न वगैरह होंगे और उसके साथ उसमें से जो धुआं निकलेगा उसमें जहरीली गैसें होंगी, जैसे पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था। तो वो जो परिवहन के जो साधन होंगे वो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी करेंगे, वो वायु के अंदर जहरीली गैसें छोड़ेंगे वो, तो क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण। तो परिवहन के जो साधन हो गए वो भी ध्वनि प्रदूषण के एक मुख्य कारक हो गया। तीसरा अपन देखते हैं मनोरंजन के साधन। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, म्यूजिक सिस्टम, डीजे जैसे साधनों से अपना मनोरंजन करता है, लेकिन इनसे जो ध्वनि होती है वो तेज़ होती है। विवाह, धार्मिक आयोजन, मेले, पार्टियों में लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। आजकल जो डीजे का जो चलन है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारक है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, जुलूस होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें वर्तमान समय में मनोरंजन के साधनों का उपयोग आवश्यक रूप से होता है, उसमें अनिवार्य रूप से करते हैं, तो उनकी ध्वनि की जो होती है शोर होता है उसका मानक स्तर से अधिक होता है, यानी कि लगभग 80 डेसिबल से अधिक ही होगा, तो वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। ध्वनि प्रदूषण, तेज़ आवाज़ होगी, विभिन्न प्रकार के म्यूजिक सिस्टम होते हैं जिनके अंदर बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण का
जो एक रीजन हो गया वो भी ये भी हो गया कि जो भी मनोरंजन के जितने भी साधन हैं वो कम ज़्यादा सभी हैं वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते ही हैं। क्योंकि विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, मेले होते हैं, पार्टियां होती हैं, तो जो मेला और पार्टी है, विभिन्न प्रकार की रैलियां होती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो म्यूजिक सिस्टम उनका उपयोग करते हैं, तो क्या होता है वो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे कारण, जिसमें एक कारण हो गया मनोरंजन के साधन यानी कि उद्योग हो गए, दूसरा हो गया परिवहन के साधन, तीसरा हो गया मनोरंजन के साधन, चौथा अपन देखते हैं निर्माण कार्य जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो बिल्डिंग्स हैं या किसी प्रकार के अन्य प्रकार का जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के मशीन और औजारें अपन काम में लेते हैं। चूँकि वो बहुत मशीनें होती हैं, वो बहुत शक्तिशाली है काम करने के लिए होती हैं, तो उसमें से जो इनकी इंजन की आवाज़ है वो भी ज़्यादा होती है, इंजन की आवाज़ ज़्यादा होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनते हैं। पांचवा आ गया आतिशबाजी, यानी कि हमारे देश में विभिन्न त्यौहार उत्सव होते हैं, मेला, सांस्कृतिक वैवाहिक समारोह में आतिशबाजी एक आम बात है। इन आतिशबाजियों से वायु प्रदूषण तो होता ही है, साथ साथ क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण भी होगा, क्योंकि ये जहरीली गैसें छोड़ेंगे, जैसे कि पटाखे, जो विभिन्न प्रकार के पटाखे हैं उनको अपन करते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही वो वातावरण के अंदर जहरीली गैसें भी छोड़ते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी करते हैं। जैसे परिवहन के साधन होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी करते हैं। इसी प्रकार अन्य कारण हैं, जैसे कि इनके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि विभिन्न सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, राजनीतिक रैलियाँ होती हैं, श्रमिक संगठन की रैलियाँ होती हैं, ये जो समूह होते हैं इनमें जन समूह यानी कि भीड़ इकट्ठा रहती है और आपस में बातचीत करने, वार्तालाप करने, ये जोर आवाज़ करने से उनकी जो ध्वनि बनेगी वो ज़्यादा होगी। इसी प्रकार प्रशासनिक कार्य, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर विशाल जनसंख्या के शोरगुल के अपन स्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अब ये ध्वनि प्रदूषण होता है, इसके रोकने के कारण क्या है? चार मौलिक तरीके हैं कि स्रोत पर ध्वनि कम करें, कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है अपन उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो उसके चार मुख्यतः जो चार स्रोत अपन कर सकते हैं कि जहाँ से जो स्रोत है यानी कि जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है अगर उसको अपन वहीं से कम कर दें तो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो जाएगा। नंबर दो की बात करें, ध्वनि का रास्ता रोकें, यानी कि जहाँ से ध्वनि आ रही है अगर उसके बीच में कोई अवरोध या बैरियर लगा दें तो वो ध्वनि आगे तक नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी, तो वो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने का दूसरा उपाय हो गया। तीसरा, उसके पथ की लंबाई में, यानी कि जहाँ से ध्वनि आ रही है उससे अगर दूर, जहाँ तक हो वहाँ तक उसके दूर जाने से क्या होगा, यानी कि जो जहाँ से ध्वनि आ रही है उसके पथ की लंबाई अगर कर दें तो वो भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर प्राप्त करता है यानी कि उसको भी नियंत्रित कर सकता है, तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के बहुत सारे कारण हैं। संयुक्त प्रयास करना चाहिए ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, भेद आवश्यक है, जान अलग अलग हैं। एक सबसे बड़ी बात, जैसे वायु प्रदूषण ग्रीन बेल्ट यानी कि वृक्ष लगाना चाहिए, उससे भी क्या होगा, वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, वो वायु प्रदूषण को कम करेंगे, ध्वनि प्रदूषण को भी कम करेंगे। इसके अलावा प्रेशन हॉर्न बंद किया जाना चाहिए, यानी तेज़ आवाज़ में जो हॉर्न होते हैं उनको बंद करना है। शहरों में नए इलाके बसाते समय सही योजना है, ट्रैफिक का बाहर से संचालन करना चाहिए, शहर के अंदर से आवागमन नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होगा जो शहरी क्षेत्र या जहाँ पर जनसमूह होता हो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी वहाँ। इसके अलावा कान प्लग का उपयोग, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कान प्लग की मदद से ऊपरी स्तर तक 40 डेसिबल तक अपन ध्वनियों वो कम कर सकते हैं कान तक। ये सामान्य रूप से नियम बनाने के अलावा किसी भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे जो मुख्य उपाय है वो शिक्षित होना है, लोगों को शिक्षित और जागरूक होना। अगर अपन स्वयं अगर शिक्षित होंगे, अगर इसमें हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो ध्वनियों प्रदूषण को नियंत्रित करने का बहुत हद तक अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। कान प्लग होते हैं जैसे कि अपन अगर उनको लगा लेंगे तो यानी कि जो कान तक अपने ध्वनि ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, तो ये भी एक अपन उसको नियंत्रित, यानी कि उससे अपन बच सकते हैं अधिक तेज़ शोरगुल या अधिक तेज़ ध्वनि से, अपन अपने कानों को या अपने स्वयं को बच सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग लेगा तब तो भी अपन इसको ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।